पठानकोट में न्यू ईयर को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट किया गया है। याद रहे कि पिछले साल आतंकियों ने न्यू ईयर के अवसर पर ही पठानकोट एयरबेस और आतंकियों ने हमला किया था, जिसकी खौफनाक यादें अभी भी शहरवासियों के दिलों को ताजा कर रही हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए DSP गुरमीत सिंह ने बताया कि हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया है। इसके साथ ही शहर के अंदर और बाहर पुलिस नाके भी लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। पठानकोट से संजय सैनी की रिपोर्ट। जो न्यू ईयर के जो त्यौहार आ रहा है, इसके चलते हुए जो बाजारों में काफ़ी रश है और मॉल्स और मार्केट में काफ़ी रश होने के कारण जो हमने सुरक्षा प्रबंध अपने किए हैं, तो उस जो पब्लिक जो है सुरक्षित फील करे और कोई भी जो कोई गलत व्यक्ति है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, किसी प्रकार के लिहाज से जो पब्लिक में है कोई गलत काम ना कर पाए, इसलिए हमने जो पहले से ही हमने जो सारे जो है सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। हमने सारे पठानकोट सिटी में जो है आउटर नाका, इनर नाके लगाए हैं और आज हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जितने भी वल्नरेबल पॉइंट हैं, मार्केट हैं, सारी टीम हमारी है। हमारी टीम में है एंटी सबोटेज टीम भी साथ है, डॉग स्क्वाड है और हम सारे जो है चेकिंग कर रहे हैं, प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं। देखिए जो है पठानकोट ऑलवेज सेंसिटिव है, जो इसलिए हम ऑलरेडी हम तो यहाँ पर अलर्ट में ही रहते हैं,